नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको वायरल बुखार, हर तरीके का बुखार, कैसा भी बुखार, मौसमी बुखार ठीक करने का, फीवर ठीक करने का बेस्ट घरेलू उपाय बताती हूँ। ये करेला है। करेले का जूस पीने से, करेले की सब्जी खाने से हर प्रकार का बुखार ठीक हो जाता है। कैसा भी वायरल बुखार है, कैसा भी अंदर बुखार रहता है, थर्मामीटर में नहीं आता है, वो भी बुखार ठीक हो जाता है। हड्डियों का बुखार ठीक हो जाता है। आपको करना क्या है, मार्केट से करेला लाना है, करेले को खूब अच्छी तरीके से वॉश करना है। मेरी एक वीडियो है सब्जी सब्जियों और फलों को धोने का, वॉश करने का तरीका। आपको करेले को नमक या नींबू या सिरका के अंदर 15-20 मिनट के लिए भिगो देना है। उसके बाद खूब अच्छी तरीके से धोकर इसको पोंछ लेना है। उसके बाद आपको इसका जूस निकालना है। जूस आपको कैसे निकालना है वो आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो। मैं आपको एक सरल तरीका बताती हूँ जूस कैसे निकालते हैं। ये मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। एक आपको चार करेला लेना है। चार करेले में आपका 1 कप जूस निकल जाएगा। एक बार जूस निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर आप दोबारा निकाल सकते हो। अगर सर्दी का मौसम ज्यादा है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, तो करेले के जूस को आप थोड़ा गुनगुना कर लेना। गुनगुना करके इसके अंदर 1 चुटकी काली मिर्च डाल लेना है। अगर सर्दी नहीं है, गर्मी नहीं, सर्दी का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, तो आप इसको गुनगुना भी नहीं करना है और इसमें काली मिर्च भी नहीं डालनी है। आपको 2 गिलास लेना है। आप इसको कपड़े में भी निकाल सकते हो, आप अपने तरीके से, अपनी सुविधा से, आप किसी भी तरीके से ये जूस निकाल सकते हो। आपका कैसा भी बुखार है, सब बुखार ठीक हो जाएगा। अगर आप वीक में, सप्ताह में एक बार आप करेले का जूस पीते हो, सॉरी सब्जी खाते हो, तो आपको किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का बुखार नहीं होगा। सप्ताह में आप एक बार करेले का सब्जी जरूर खाया करो। इसका जूस आपको 4 दिन या 5 दिन लगातार पीना है। इससे आपका, इस तरीके से आपको, बहुत सरल तरीका है ये जूस निकालने का। ये मैंने 2 करेले का जूस निकाला हुआ है, 2 का। आप 4 करेले का निकालोगे, इसमें आप थोड़ा सा पानी डालकर एक बार जूस और निकाल सकते हो। हल्का सा 5-6 चम्मच पानी डालकर एक बार जूस और निकाल सकते हो। इसको आप सुबह खाली पेट पीते हो, आपकी स्किन में भी ग्लो आएगा। स्किन में भी जितनी भी प्रॉब्लम होते हैं, पिंपल्स वगैरह होता है, और भी प्रॉब्लम होती है, वो भी ठीक हो जाएगा। शुगर भी आपका ठीक हो जाएगा और बुखार भी आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्त, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।